हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नलिनीश नील। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। सैया तू कमाल का, प्रेम रतन धर पायो, प्रेम रतन धर पायो, आज मन भर आयो। ए बाबूजी, 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 अब अपने भी अच्छे दिन आ गए बाबूजी। बाबूजी, अपनी नौकरी लग गई। लीजिए बाबूजी, पेड़ा खाइए। लीजिए बाबूजी, मिठाई पे काहे पैसे खर्च किए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनको शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारा बड़ा नॉर्मल सा लुक है, नॉर्मल सी पर्सनैलिटी है, हम लोग को कहाँ फिल्मों में काम मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हर लुक के लिए, हर पर्सनैलिटी के लिए यहाँ पर काम है। और आज का फिल्मी फंडे इस बात को साबित भी कर देगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका लुक क्या है, क्योंकि आप अपने लुक को एक हद से ज़्यादा नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हैं तो अपने काम करने के तरीके को, आप बदल सकते हैं तो अपनी ट्रेनिंग को, आप बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने टैलेंट को पॉलिश करके, रोज़ करके नई नई अपॉर्चुनिटी कैश कर सकते हैं। आज के फिल्मी फंड में हम मिलने वाले हैं नलिमेश नील से और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे की। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला थोड़ा सा, ताकि जो नए लोग हैं वो ये जान पाएं कि फिल्मों में अगर आना है तो कैसे आ सकते हैं और आपने कौन सा रास्ता बनाया। सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ से हैं और मुंबई में कब आए। मैं मुंबई में तो 2010 में आया हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत बीसलपुर का रहने वाला हूँ और अभी मुंबई में हूँ, बस काम कर रहा हूँ। कितने साल हो गए आपको मुंबई में? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। और कितना काम कर लिया आपने अभी तक? अभी तक मैंने कुछ तकरीबन 14-15 फिल्में की होंगी। ओके। और कुछ शॉर्ट फिल्में की हैं। कुछ फिल्मों के नाम शेयर करेंगे? जैसे शुद्ध देसी रोमांस, रईस, फुकरे रिटर्न्स और वीरप्पन, मंजूनाथ, क्या सुपर कूल है हम। और एक फिल्म मैंने बहुत शुरुआत में की थी, अता पता लापता, राजपाल यादव की, तो वो फिल्म मैंने की थी। और अभी इस साल नेक्स्ट ईयर टोटल मिला के 5 फिल्में आने वाली हैं। ओके। इसमें से 2 एज लीड में हैं और अभी एक इसी साल एक फिल्म रिलीज होगी, 3 Smoking Barrels। ओके। तो नानी जी, जब आए थे आप, 7 साल टोटल हो गए आपको, लेकिन पहला मौका कब और कितने टाइम बाद मिला और कैसे मिला? पहले मौके की मतलब जर्नी थोड़ी वैसी है कि मैं जब यहाँ पे आया तो अभी क्या है, यहाँ पर आके मुझे मॉरल सपोर्ट मुझे बहुत मिला। अच्छा। बट काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो मतलब नहीं मिल रहा था। तो मुझे पहला ब्रेक मुझे मिला 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? सिर्फ 6 महीने बाद। और वो भी कैसे? क्या हुआ कि एक इम्तिहान सीरियल करके आता था और उस पे मेरे सीनियर ने बोला कि एक कोऑर्डिनेटर है और उसके थ्रू जो है आपको काम मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे क्या लगा कि मैं उस दिन जो है विलेन कर रहा हूँ और मतलब मेरा तो काम हो गया, आज से मेरा काम हो गया। बट उसमें क्या है कि उसको कुछ 25% उसको कमीशन देना था और एक दिन का काम था और मैं काम करने का लट पकड़े खड़ा हुआ था मैं। ठीक है, लेकिन जब पहली बार आप वो लट पकड़ के भले खड़े हुए, लेकिन कुछ एहसास तो हुआ कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ मुंबई जैसे बड़े शहर में? हाँ, था मतलब एक दिल में एक उमंग होती कि नहीं आज लगता है आज मुझे ब्रेक मिल गया, वैसा था। ओके। वो मेरा एक यादगार एक लम्हा मेरा और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि नॉर्मली क्या होता है जब कोई बहुत ही गुड लुकिंग होता है, हैंडसम होता है, तो उसको लोग धकेल के बोलते हैं कि यार तुझे तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। और जब हमारी जैसी शक्लो सूरत वाले और आम तरह के दिखने वाले लोग होते हैं और हम चाहते हैं कि हम चले जाएं, तो लोग धकेल के और खींच के बोलते तू क्या करेगा जाके। तो ये हिम्मत, ये ओवर कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया कि आप मुंबई जाओगे और फिल्म इंडस्ट्री में काम करोगे? एक्चुअली इसमें लोग हंसते भी हैं मेरी कहानी पे थोड़ा। क्या हुआ कि मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना है, फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि मैं कैसे सही जगह कैसे पहुंचूं। जैसे कि आपने बोला कि लोग बोल देते हैं अरे तुम तो स्मार्ट हो, ये हो, मुझे तो कोई नहीं, मुझे तो लोग उल्टा बोलते थे। बोलते यार कैसा दिखता है यार, ये दांत भी थोड़ा बाहर हैं ये, और वो जब लोग बोलते तो मुझे भी वो इनसिक्योरिटी फील होने लगता था कि कैसे होगा, कि मतलब मैं खुद से दिखता हूँ अच्छा, कैसा क्या करता हूँ मैं, शीशे में खुद को देखता था मैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, इनसिक्योरिटी फील होती थी। बट
अपने यहाँ मैंने गांव में ही मतलब जागरण में गाना शुरू किया। ओके तो मुझे सिंगिंग का मतलब परफॉर्मेंस तो शुरू हो चुकी है। हाँ, शौक मुझे मतलब रहा है तो म्यूजिक का काम मेरा चलता रहा और उसी दौरान क्या मैंने थोड़ा मार्शल आर्ट मैंने सीखना शुरू किया और अपनी जीविका के लिए मैं अपना वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करता था। मतलब मैंने 100-150 शादियां भी मतलब दोस्तों को करवा दी तो उसी के जरिए पैसे आते थे अपना, उससे अपना पढ़ाई वढ़ाई भी किया करता था। और धीरे धीरे करते करते फिर मुझे इंस्टिंक्ट हुआ कि मैं एक शो रियलिटी शो में देखता था, उसमें कलाकार्स करके पहले आता था तो मुझे लगा कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मैं अपने यहाँ बरेली गया, मैंने उसमें थोड़ा सर्च मारा कि कैसे चीज़ें क्या हो सकती हैं, मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। बट उसमें पता चला कि बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं, ऐसे किसी का कुछ नहीं हो जाता है। फिर मैंने सोचा अब इसके लिए क्या करें, तो हमारे कुछ कलीग्स हैं जो उस हम लोगों से पहले मुंबई आए थे। हमारे यहाँ क्या कि डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में थिएटर नहीं होता है। हाँ, ये बहुत सारी जगह छोटी छोटी थिएटर नहीं होता है, तो हमने सोचा अभी कैसे होगा। लेकिन उन लोगों का थोड़ा ये था कि मुंबई आए हुए थे वो, तो हमने सोचा ठीक है अब इनसे बात करते हैं। तो बात करके उनसे पता चला कि शाहजहांपुर में कहीं थिएटर होता है। ओके। फिर रात को मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं शाहजहांपुर चला गया, तो जहाँ से राजपाल दादा ने थिएटर मतलब सीखा हुआ है। अब क्या होता है कि जब वहाँ पे जाओ तो एक कोई बंदा आगे निकलता है तो लोग यही बोलते हैं अच्छा आप भी राजपाल यादव बनने आए हो। राइट, सब उसी कैटेगरी में, सब उसी कैटेगरी में मतलब डाल देते हैं कि आप भी मतलब राजपाल यादव बनने आए हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी कुछ हो जाता है। मैंने कहा सर ट्राई करेंगे। तो हमारे सर हैं ज़रीफ मलिक आनंद जी। ओके। तो वो संस्था के मतलब हेड हैं, हमारी कोरोनेशन आर्ट थिएटर एक संस्था है इप्टा की। तो उसमें मैंने मतलब एडमिशन हमारा वहाँ पे हुआ, एक तरह से हमारी इंट्री हुई। और दिलीप आनंद जी जो हैं वो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, हाँ वहाँ पे वो हमारे गुरु हैं। तो हम शाहजहांपुर में रहे, वहाँ पर हमने थिएटर किया। थिएटर करते करते फिर हमने BNA में अप्लाई किया, उसके लिए भी तैयारी की। तैयारी तो हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है। फिर हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ और BNA, देन 4-5 महीने FTI, फिर उसके बाद मुंबई में। वेरी गुड। तो FTI करने के बाद आप मुंबई आए। हाँ, FTI में मतलब फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स होता है। राइट। जो हमारे यहाँ से फिल्म बंधु भेजता है हमको, तो हम 5 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं। और हमारा लास्ट बेच था FTI में, कैमरे की बारीकियाँ नहीं पता थी तब तक नहीं पता थी। काम किया था बट इतना नहीं पता था। ये भी देखा था मैं, जब अता पता लापता फिल्म मैंने की थी राजपाल दादा की, तो उस फिल्म को करने का मेरा मकसद ही यही था कि मैं कैमरे की अंडरस्टैंडिंग कैसे आए। right. कि मतलब उसमें बड़ा बड़ा कैमरा लगता है, जिम म्यूजिक लगता है, अकेला लगता है बहुत बड़ा, मतलब सारी चीज़ें कैसे कैप्चर हो जाती है, वो भी मूवमेंट में है, हमारा भी मूवमेंट है। हाँ, सब उसमें भी हमको चीज़ें समझ में नहीं है। बट इस फिल्म में जब मैंने पैरेलल लीड मैंने कैरेक्टर किया, कैरेक्टर करने के बाद एक तो कैरेक्टर की जर्नी अपनी, और एक आपको क्या होता है कि आपको लोगों की आशाएं आपसे बढ़ जाती है। राइट, कि अभी ये कि और अच्छा करेगा। ट्रेंड एक्टर हो ना। राइट, आपको पैसा दिया है। प्रोफेशनली उनका राइट है। हाँ, मेरा एक यही कहना होता है कि आपके ऊपर 100 रुपए कोई क्यों खर्च करे, जब तक आप बेस्ट नहीं हो, अच्छे नहीं हो। जब तक आप 100 रुपए आदमी आपको तभी खर्च करेगा जब आपसे 500 रुपए ले सकता हो, उस वैल्यू का काम। हाँ, काम करेगा, उस वैल्यू का काम देगा। नहीं करोगे तो कैसे क्या होगा। तो उस फिल्म से मैंने, लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मैंने फिल्म से मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जिसके लिए मैंने इतना लोगों से मैंने सीखा, मेरे को एक्टर्स मैंने बहुत कुछ सीखा। उसने मुझे बताया, काफ़ी मुझे कोऑपरेट किया मेरे डायरेक्टर ने और पूरी टीम ने, जिसके चलते मैंने अभी एक और मैंने एक ऐसा लीड में फिल्म की है। ओके। तो फिर जब आप चीज़ें समझ जाते हो, आप जब काम करते हो, तो लोगों को लगता है कि ईजिली हो सकता है, ईजिली हो जाता है। बट ईजिली कभी कोई चीज़ होती नहीं है। राइट, उसके पीछे एक ट्रेनिंग है, पूरा समय भी गया है। आप ट्रेनिंग को और ये जो पीरियड गुजरा जहाँ पे आप सीखते रहे, इसको कितना इंपॉर्टेंस देते हो आप अपने करियर में? ये बहुत मायने रखता है। किसी के लिए भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी के लिए ट्रेनिंग बहुत
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा जैसे एक ही मानना है कि इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट में क्या है कि मैं उसको अपने तरीके से डिफाइन करता हूँ कि मैं उसको एक अस्तबल की तरह समझता हूँ जहाँ पर सारे घोड़े जाते हैं, राइट, बंधे रहते हैं, ठीक है। तो मेरा एक मानना है कि वो इस चीज़ का काम करता है कि वहाँ पर ले जाके एक गधे को भी अगर आप बांध दोगे, बंधा रहेगा 2 साल तक 3 साल तक, तो तब वो वहाँ से निकलेगा ना, तो वो भी हिनहिनाना तो सीख जाएगा। बट किसी इंस्टीट्यूट से हर जगह से निकलते हैं 35-40-25 लोग निकलते हैं, सभी थोड़ी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनता वही है जिसका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है, जो सभी थोड़ी हो जाते हैं, सभी नहीं बनते। मतलब घोड़े निकलते तो गधे भी तो निकलते होंगे, निकलते बिल्कुल निकलते सब जगह से, ये है। बट आपका फोकस अगर है, आप लगे हुए हैं कंटिन्यूसली, तो चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत से लोग ये क्या, जो लोग काम करते हैं, मैंने मुंबई में भी मतलब बहुत लोगों को देखा है, लोग बोलते हैं मतलब मैं काम करता हूँ, काम नहीं मिल रहा है। एक्चुअली क्या है, बोलने में करने में बहुत फर्क होता है, काम अपने आप चल के नहीं आता। आप बैठे रहो, आपको लगेगा कि नहीं यार काम आ जाए, नहीं आ सकता है। आप घर पे बैठे हुए हो, बट आप कम से कम फोन तो कर सकते हो, आप मिलना जुलना, फोन करना, ऑडिशंस देना, मतलब इनपुट तो आपको देना पड़ेगा, राइट। देखिए ये बात ना, एक मिसाल है जो कह रहे हैं रवेश की, बहुत सारे लोग हैं सालों साल बीत जाते हैं, एक भी काम नहीं कर पाते, और 7 सालों में आज ये 14-15-16 फिल्में कर चुके हैं। उसकी वजह साफ है कि आप लगातार लगे रहे, लगातार काम भी ढूंढते रहे, लोगों से मेलजोल भी रखते रहे, और अपॉर्चुनिटी को खुद तलाशना पड़ता है, अपने आप चल के नहीं आती। तो जो लोग अलग अलग शहरों से आते हैं मुंबई, उनके लिए आप नए लोगों के लिए क्या गाइडलाइन दोगे कि किस बात पे उनको मेन फोकस रखना चाहिए? मेरा उन लोगों से सिर्फ एक ही कहना है कि आप ईमानदारी से लगे रहें, दूसरे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस है, राइट। वो बोल देता है कि नहीं यार ऐसे चीज़ें होती हैं, वैसे होती हैं, कोई किसी चीज़ में फंस जाता है, कोई किसी चीज़ में फंस जाता है, अपना उसका कुछ रहता नहीं, राइट राइट। और अपना रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या लोग बोलते हैं कि नहीं एक्टिंग जो है आप अपने तरफ से करते रहो, बाकी सामने वाला देख लेगा, नहीं, आपको सारे चक्षु आपको खुले रखने पड़ेंगे, आपको अवेयर रहना पड़ेगा चारों तरफ। मतलब ये कि खुद ही अलर्ट रहना है, हाँ, खुद ही प्रॉम्प्ट रहना, खुद को ही एक्शन लेना, खुद को ही आपको एक्शन लेना है। हाँ। और ये जरूरी, आप पड़ोसी ने बोल दिया, उसने बोल दिया कि आप एक्टर बनने वाले हो, आप तो स्मार्ट लग रहे हो, आप तो ये हो, खुश होके आ गए हो, या किसी दूसरे को खुश करना चाहते हो, तो नहीं। ये नहीं, आपको ये समझो कि अब मैं मरूंगा तो यही मरूंगा, जीऊंगा तो यही जीऊंगा, नहीं तो नहीं। तब ये बहुत लाइन जितनी लोगों को लगता है बाहर से सरल लगती है, बट उतनी सरल ये है नहीं, राइट। ओके, थैंक्स अ लॉट यार, आपने इतना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए थैंक यू वेरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थी आज के फिल्म फंडे की मुलाकात नलिमेश नील से। बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिला, ये कि आप में असल में जज्बा होना चाहिए इस बॉलीवुड में काम करने का, तो आपकी कैसी भी पर्सनैलिटी है, नॉर्मल पर्सनैलिटी के साथ भी आप बड़ी बड़ी फिल्में कर सकते हैं। नलिमेश से जो बात सीखी वो ये भी थी कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्होंने थिएटर किया, उन्होंने फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया, उन्होंने कैमरा एक्टिंग को बहुत अच्छे से समझा, और अब वो बॉलीवुड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये बातें और जो जो बात उन्होंने सिखाई आपको, उससे मुझे लगता है कि आप में भी जज्बा जागेगा कि हाँ, आप सभी लोग काम कर सकते हैं, कोई भी अड़चन नहीं है लुक्स की, बस भरोसा होना चाहिए खुद पर, खुद की ट्रेनिंग पर, खुद के टैलेंट पर, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों में आत्मविश्वास जागे और सही तरीके से सही रास्ते पे चल के वो भी बॉलीवुड में अपना मकाम बना सकें और सब कह सकें कि आई कैन आई विल ज्वाइन फिल्म्स। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।